मोटर स्पार्क में स्वागत है आपका। टाटा की नेक्सॉन जिसके सीएनजी वेरिएंट का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा की नेक्सॉन में सीएनजी कब तक आने वाला है। अगर हम इसके सीएनजी की बात करते हैं तो टाटा नेक्सॉन में सीएनजी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में इस कार का सीएनजी में टेस्टिंग देखा गया था, तभी से चर्चा इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई कि नेक्सॉन सीएनजी में आने वाली है। वेल, अगर नेक्सॉन की बात करते हैं तो ये सीएनजी में 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ आ सकती है। एंड अगर इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन मतलब दीपावली 2022 अक्टूबर तक हमें नेक्सॉन सीएनजी में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसी टाइम मारुति अपनी ब्रेजा को भी सीएनजी में लॉन्च करने वाली है। वैसे नेक्सॉन और ब्रेजा के बीच में कंपटीशन होता ही रहता है हर एक वेरिएंट में, सो अगर ब्रेजा में सीएनजी आ रही है तो नेक्सॉन में भी सीएनजी बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्सॉन में सीएनजी आने के बाद ये बन जाएगी इंडिया की ऐसी कार एंड इंडिया की पहली कार जो ईवी पेट्रोल डीजल सीएनजी चारों फ्यूल ऑप्शन के साथ आएगी। एंड नेक्सॉन काफी अच्छी कार है, इंटीरियर एक्सटीरियर ओवरऑल काफी अच्छा। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ अगर नेक्सॉन में सीएनजी आती है तो काफी अच्छे पावर वगैरह निकालने वाली है ये। एंड माइलेज की बात करते हैं तो 25 से लेकर 30 km पर केजी के अराउंड ये माइलेज सीएनजी में निकाल देगी। पेट्रोल की माइलेज की बात करते हैं तो 18 से 20 km पर लीटर के अराउंड ये पेट्रोल में माइलेज निकालती है। एंड जैसा आप जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस अप्रॉक्स 100 के आसपास है एंड सीएनजी 72-80 के बीच में है, तो तब भी इन कंपेयर टू पेट्रोल सीएनजी का प्राइस काफी कम है एंड सीएनजी की कारें माइलेज भी काफी ज्यादा निकालती हैं। वहीं अगर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो नेक्सॉन में सीएनजी इसके बेस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाएगा एंड इसके टॉप इन वेरिएंट तक हमें सीएनजी देखने को मिलेगा। एंड अगर प्राइसेस की बात करते हैं तो नेक्सॉन के जो पेट्रोल वाले वेरिएंट्स आते हैं इससे इसके सीएनजी वाले वेरिएंट में 1,00,000 रुपए तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्थ है, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर, सीएनजी किट एंड बाकी सबका अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 1,00,000 रुपए तक का पड़ जाता है। एंड नेक्सॉन में आईसीएनजी की टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो कि काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब आप सीएनजी में ही कार को चालू कर सकते हैं एंड सीएनजी टू पेट्रोल ऑटोमेटिक शिफ्ट होती रहती है, काफी स्मूथ ये टेक्नोलॉजी बना देता है एंड कार के इंजन की रिलायबिलिटी इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टाटा की ये जो आई सीएनजी है काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। वहीं जो ब्रेजा में आने वाला है सीएनजी, ये मारुति की एस सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। फिलहाल के टाइम में तो एस सीएनजी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है सीएनजी में, क्योंकि ये मारुति सुजुकी की है एंड जैसा आप जानते हैं कि सीएनजी में तो मारुति सुजुकी किंग है फिलहाल के टाइम में, क्योंकि मारुति सुजुकी की सीएनजी में सबसे ज्यादा कारें आती हैं, चाहे वो आप ऑल्टो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनार, अर्टिगा, इको एंड कुछ दिन में हमें इसके प्रीमियम हैचबैक बलेनो एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा में भी सीएनजी देखने को मिल जाएगा। तो यही था एक वीडियो टाटा नेक्सॉन सीएनजी के ऊपर। एंड अगर इसके लॉन्च की बात करते हैं तो भाई नेक्सॉन का सीएनजी अक्टूबर या 2022 लास्ट तक लॉन्च हो सकती है।